डिले होने के बाद हम लोग अपनी ट्रिप में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। अभी मैं रास्ते में ही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ। और आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी ना पैक विथ मी, तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाके देखिए और शो सम लव ओवर देयर। तो अब मिलते हैं सीधे कॉलेज। अबाउट टू रीच आम्रपाली और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। मेरे ख्याल से 5 मिनट बचे हैं और मतलब 3 बजे बस निकलने वाली। ये मैं कॉलेज पहुँच गई, वैसे दिख तो नहीं रहे, आई थिंक अंदर होंगे टीचर्स वगैरह ना, अंदर जाना पड़ेगा गेट से। हाँ, दिख तो रहे हैं कुछ लोग, अंदर जाना पड़ेगा। मैं कॉलेज पहुँच गई, देयर आर माई क्लासमेट्स, सभी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। इतना बड़ा यार ये दिखने का, ऐसी इसमें कपड़े नहीं आते ज़्यादा। हाय, 4:55 पे बस आ रही है और जो एनर्जी थी वो एनर्जी डाउन हो चुकी है सब। फाइनली अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं और बस बहुत अच्छी है, मतलब सीट भी प्रॉपर है और मुझे विंडो सीट मिल गई है और सारे बच्चे काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। राधे राधे। Finally going for dinner. क्या है जगह का नाम? और फाइनली अब हम लोग एक रेस्टोरेंट में आके रुके हैं और सभी लोग अपना डिनर कर रहे हैं। क्या क्या है आपके मेन्यू में ज़रा बताओ भाई। इनकी तो ये हमारी मेन्यू में है पूड़ी, चटनी, चना, आलू के लुटके जो दो वेराइटीज के हैं, और दही और हरी मिर्च और कुछ बचा चार। बाप रे। और आम का मीठा और चने। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हमने अभी डिनर किया, नाम है भोले ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। थोड़ा स्लो सर्विस है अभी भी, मतलब बहुत सारे लोगों ने खाना नहीं खा पाए। हम तो थोड़ा बहुत घर से लेके आए थे तो वही चीज़ें हमने यू नो शेयर वगैरह करके खा ली। फाइनली रीच टू आवर डेस्टिनेशन होटल अनिरुद्ध पैलेस और सब वेट कर रहे हैं पे। रूम्स प्रोवाइड कब होंगे करके। एंटरिंग टू आवर रूम्स और मैंने अपना सामान गिराया। दिस इज आवर रूम, ठीक है मतलब का। दिस इज आवर मिरर।